अर्थ के आधार पर वाक्य में लास्ट भेद है संकेतार्थक वाक्य का। इसमें संकेत या कोई शर्त रखी जाती है, परिभाषा इसमें कि जिस वाक्य में किसी भी शर्त का होना पाया जाता है उसे कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। तो परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य में किसी भी शर्त का होना पाया जाता है संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। संकेतार्थक वाक्य कहलाता है जिस वाक्य में किसी भी शर्त का होना पाया जाता है संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। यानी कोई भी शर्त आपको देखने को मिलेगी, जैसे राम आता तो मैं खेलता। उदाहरण को ध्यान से देखिए, राम आता तो मैं खेलता, यानी यहां मेरे खेलने में राम के आने की क्या है, एक शर्त है। अर्थात राम आया नहीं और मैं खेला नहीं, यदि राम आता तो मैं खेलता, तो राम के आने की यहां क्या है, शर्त है। दूसरा उदाहरण, यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती। अर्थात यहाँ वर्षा के होने में फसल के सूखने की क्या एक शर्त, अर्थात वर्षा होती तो क्या नहीं सूखती, फसल नहीं सूखती। फसल क्यों सूखी, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। तीसरा उदाहरण है, मोहन घर आता तो मैं घूमने जाता। यहाँ वाक्य को ध्यान से देखो, मोहन घर आता तो मैं घूमने जाता, अर्थात मोहन आया नहीं और मैं घूमने गया नहीं। मैं घूमने कब जाता, जब मोहन घर आता। यहाँ मोहन के आने की यानी घर पर आने की क्या एक शर्त है। तो प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में किसी भी शर्त का होना पाया जाता है वो कौन सा वाक्य होता है, संकेतार्थक वाक्य। इस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े, जो 8 प्रकार के थे वो आपको कंप्लीट करवाई जा चुकी है। इसके बाद जो वाक्य विचार में टॉपिक बच रहा है वो आपको कल करवा जाएगा।